गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 1, आपको पता होना चाहिए या आपको मैं बता देता हूँ कि जो कक्षा 11 के जो सिलेबस में बदलाव हुआ है उसमें एनसीईआरटी का सिलेबस अब आरबीएसई में लागू होगा। एनसीईआरटी का यानी सीबीएसई वाला। तो चैप्टर की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको चैप्टर का हेडिंग बता देता हूँ। चैप्टर हेडिंग है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति के बारे में हम आज इस चैप्टर के अंतर्गत बात करेंगे। सबसे पहले मैं भारत को जो भारत की जो विश्व में लोकेशन है, विश्व में किस प्रकार से भारत की स्थिति है, पहले हम विश्व के संदर्भ में भारत को जान लेते हैं। आप सबसे पहले ये देखिएगा कि भारत कहाँ पे स्थित है। हमारे अगर हम बात करें तो भूगोल में मानचित्रों का बहुत बड़ा महत्व है। आप लोग निरंतर इन मानचित्रों का अभ्यास करते रहें। मैं भारत की लोकेशन बता रहा हूं विश्व के संदर्भ में। आपको ज्ञात हो कि भारत कौन से गोलार्ध में है, भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे है। मैं भारत को बताने से पूर्व आपको पृथ्वी के बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसे अगर ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है तो इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसे लगभग समान दो भागों में बांटते हैं। इसे ऊपर वाले भाग को इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपरी भाग यानी उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं भारत की तो भारत आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर कि विश्व का मानचित्र किस प्रकार से है। ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो मैं बात करूं तो विश्व में 7 तो महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अंटार्कटिका। महासागरों की यदि मैं बात करूं तो महासागर में ये है प्रशांत महासागर, ये है अंद महासागर, हिंद महासागर, ये उत्तरी ध्रुव महासागर और ये है दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो महाद्वीप हो गए 7 और महाद्वीप हो गए 5, सॉरी महासागर हो गए 5। तो आपको थोड़ा सा शुरुआती हमारी ये कक्षा है कक्षा 11 की और हम जो बात करेंगे बिल्कुल हम इसकी नींव से शुरुआत करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए महासागर है 5 और महाद्वीप है 7। इसके बाद में हमारे
भारत के जो हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति, इस पे मैं चर्चा करूं तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि भारत कहाँ पर स्थित है, भारत की लोकेशन कहाँ पर है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करते हैं, और यानी हम साधारण शब्दों में कहें तो भारत का विश्व में पता कहाँ है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 0 डिग्री अक्षांश की। 0 डिग्री अक्षांश बोले तो भूमध्य रेखा कह सकते हैं इसे विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, हम इसे दो तीन अनेक नामों से हम जान सकते हैं। मोटे मोटे रूप में हम इसे 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानेंगे। अगर मैं बात करूं, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उससे ऊपर है 90 डिग्री अक्षांश और इधर 90 डिग्री अक्षांश, तो अक्षांशों की संख्या हो गई 180। अगर मैं देशांतर की बात करूं तो किसी बिंदु पर जितने कोण खींचे जाएंगे उतने अक्षांश होते हैं, और अक्षांश है 180 तो पूर्व में और 180 ही पश्चिम में, तो 180 और 180 360, तो देशांतरों की संख्या हुई 360। तो पूर्व और पश्चिम में कितने, इधर पूर्व और इधर पश्चिम में कितने, 180 इधर और 180 ही इधर देशांतर होंगे। ठीक है, तो अगर मैं मोटे मोटे रूप से बात करूं तो भारत, अभी आपको अगर मैं इसको विश्व को चार भागों में बांटूं, इससे ऊपर का भाग तो हो गया ये उत्तरी गोलार्ध, अगर इससे नीचे की बात करूं तो यह है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अगर मैं इस 0 डिग्री देशांतर की बात करूं, 0 डिग्री देशांतर की बात करूं, इससे इधर पूर्व है, तो मैं इसको लिख सकता हूं पूर्वी गोलार्ध और इसको पश्चिमी गोलार्ध, यानी इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध, भारत इसके ऊपर है, इसके उत्तर में, ये उत्तरी गोलार्ध में है और इससे इधर है। तो हम अगर भारत को वास्तव में बात करें तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के मध्य में है, ये ब्लॉक हो गया उत्तरी पूर्वी, ये हो गया उत्तरी पश्चिम। तो भारत की जो लोकेशन है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के लगभग मध्य में। तो भारत की जो स्थिति हो गई वो आ गई आपके उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के लगभग मध्य में। तो भारत की यदि विश्व में स्थिति पूछी जाए तो हम बताना चाहेंगे कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर। आगे, अब हम आगे चलते हैं। भारत की हम बात करते हैं, भारत की
मैं सबसे पहले भारत और उसके पड़ोसी देशों की बात करता हूं, तो ये तो है हमारा भारत। ये पड़ोसी देश है पाकिस्तान। यहां पर कुछ भाग लग रहा है अफगानिस्तान का। ये वाला जो भाग यहां पर है चीन, ये पूरा एक भाग चीन का। ये वाला जो भाग है ये है नेपाल। वापस ये भाग है चीन। ये है भूटान। फिर इसके बाद ये जो भाग आ रहा है हमारा म्यांमार। पूछो म्यांमार, इसे हम बर्मा भी बोलते हैं। अब जो ये वाला जो भाग है वो है बांग्लादेश। अब ये वाला भाग है वो है यही लिख देते हैं श्रीलंका। श्रीलंका, ठीक है। तो ये मैं भारत और वह उसके पड़ोसी देश की बात कर रहा हूं। भारत वह उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा और बांग्लादेश। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। और मैंने आपको ये और बताया श्रीलंका। तो भारत की जो स्थिति है वो पड़ोसी देशों के संदर्भ में बहुत ही मजबूत है, क्योंकि चीन के अलावा कोई भी भारत से बड़ा देश नहीं है। इस इलाके में पूरा भारत ही एक अपना अलग से प्रभुत्व रखता है, अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। अब मैं भारत की आकार के बारे में बात करूंगा और भारत की जो स्थिति है उसके बारे में मैं बात करूंगा। जो भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की जो स्थिति है